आज मैं एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ आप सबके सामने, जिसका शीर्षक है किताबें बहुत खतरनाक होती हैं। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड ये है कि एक लंबे समय तक लड़कियों को अध्ययन से दूर रखा गया, कैद रखा गया परंपराओं की जंजीरों में। अब समय बदल रहा है फॉर्चुनेटली, और मुझे लगता है कि यदि हम एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो हमें लड़कियों को पढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। तो इसी बैकग्राउंड में इस कविता को सुनिएगा। किताबें बहुत खतरनाक होती है लड़कियों के लिए, किताबें बहुत खतरनाक होती हैं लड़कियों के लिए, छेद कर देती हैं जहाँ तहाँ जेहन के बस्ते में, छेद कर देती हैं जहाँ तहाँ जेहन के बस्ते में, काट देती हैं सदियों से बंद नसों की कलमें, एक एक कोशिका को बना देती हैं प्रश्नों का तालाब, लड़कियाँ बन जाती हैं यक्ष और मूर्छित होने लगते हैं अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के वंशज। सदियों की जर्जर दीवारों में, सदियों की जर्जर दीवारों में खोल देती हैं किताबें नई नई खिड़कियाँ, जिससे होकर झरने लगते हैं आज़ादी के तमाम अक्षर, जैसे तोड़कर शब्दों का अनुक्रम मुक्त हो जाते हैं वाक्य, व्याकरण की तंग सीमाओं से अंधेरे बंद कमरों से निकलकर वैसे ही खुले रोशन मैदान में दौड़ने लगती हैं लड़कियां, और थरथर कांपने लगता है अस्तब्ध चौकट पर सारा मकान। किताबें गुनहगार हैं, किताबें गुनहगार हैं कि भरे पुराने रद्दी पन्नों को लपेटकर न केवल कक्षा में उड़ाती हैं वर्जनाओं की जहाज, बल्कि खुद भी हवा में तैरने लगती हैं तितलियाँ, कल्पनाओं के अंतरिक्ष में टहलते टहलते कल्पना बन जाती हैं जब लड़कियाँ, और हिलने लगती हैं जड़ से ही सभ्यता की चूलें, धीमी पड़ती कुम्हार के चाक की तरह। किताबें बहुत चालाक होती हैं, किताबें बहुत चालाक होती हैं, खोल देती हैं अविधा में कही गई बातों की व्यंजना, खोल देती हैं अविधा में कही गई बातों की व्यंजना, पहचान लेती हैं शब्दार्थ और भावार्थ का अंतर, सूंघ लेती हैं सहज ही स्नेह की कलई में लिपटी वासनाओं की गंध, पढ़ लेती हैं सहज ही हथेलियों की खुरदरी छुअन का लिजलिजा रहस्य, पर डर से हाँफती नहीं है, पर डर से हाँफती नहीं है अब बड़े हुए इन हाथों को बेरहमी से मरोड़ देती हैं लड़कियां, और लज्जित पड़ा रहता है देर तक धूल में हाँफता पुरुषत्व। सच में लड़कियां अब बदल गई हैं, सच में लड़कियां अब बदल गई हैं, उनकी बुक सेल्फ में अब नहीं दिखते उपनिषद, हदीस या स्मृतियां, लड़कियां अब नहीं पढ़ती वेद, पुराण, बाइबल या कुरान, लड़कियां अब नहीं पढ़ती वेद, पुराण, बाइबल या कुरान, लड़कियों के डस्टबिन में पड़ी रहती है इतिहास की साजिशें, नहीं पलटती वे आदम और हव्वा के पाप की कहानियां, उनके बिस्तर पर जागते हैं अब रिपब्लिक, डेमोक्रेसी और संविधान, उनकी हथेलियों में मुस्कुराते हैं नदी के द्वीप, लोलिता और उदान, उनके तकिए के ठीक सामने की दीवार पर लड़कियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, तो सामने नक्शा दुनिया का लगाए रखती हैं, तो उनके तकिए के ठीक सामने की दीवार पर लंगर डाले पड़े रहते हैं सातों महासागर, और स्टडी टेबल पर एक टांग पर खड़ा रहता है सारा लोग। देखना देखना इन नई किताबों पर बैठकर लड़कियां कल नापेंगी आसमान, इन नई किताबों पर बैठकर
लड़कियां नापेंगी आसमान फाड़ कर धरती के सारे घूंघट और नकाब, लड़कियां खुद बन जाएंगी एक दिन खतरनाक किताब, लड़कियां खुद बन जाएंगी एक दिन खतरनाक किताब। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।